ये कहानी है टनकपुर नाम के गांव की, जहां के लोग ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही समय को समझते थे। उस गांव में दो लोग थोड़े पढ़े लिखे थे। वो दोनों ये सब देखकर परेशान रहते थे कि इन लोगों का जीवन कैसे चलेगा, ये सोचकर दुखी होते थे। गांव के लोगों को कोई भी चिंता नहीं होती थी। जब दिल करे तब खाना खा लिया, जब मन करे तब बच्चों को स्कूल भेज दिया। उन दोनों में से एक मास्टर जी थे। वो बच्चों को समझाते कि बेटा, टाइम से स्कूल आया करो, समय को समझो। बच्चे घर जाके अपने माँ बाप से बोलते थे कि हमें टाइम से स्कूल जाने दिया करो। ये सब सुनकर माता पिता स्कूल जाकर मास्टर से ही लड़ाई कर लेते। पढ़ने लिखने का कोई टाइम होता है? जब दिल करेगा तब पढ़ाई करेंगे। ये सब सुनकर मास्टर जी बहुत दुखी हो जाते। एक बार दोनों दोस्त शहर गए। वहां एक महापुरुष का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें समय और तरीके से जीवन बिताने की बात कही जा रही थी, जो उन दोनों को बहुत अच्छी लगी। दोनों ने सोचा, अगर ये कार्यक्रम गांव वालों को दिखाया जाए तो कुछ फर्क आएगा। दोनों खुश होकर उस महापुरुष के पास गए और अपने गांव की सारी कहानी सुनाई और उनसे अपने गांव आने का आग्रह किया। महापुरुष गांव आने के लिए तैयार हो गए। वो बोले, मैं तुम्हारे गांव कल शाम 4 बजे आ जाऊंगा। तो उनमें से एक बोला, ठीक है, मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा दूंगा। और दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौट आए। गांव आकर सबको बताया कि कल 4 बजे आप सभी लोगों के लिए महापुरुष के सत्संग का आयोजन किया गया है। सारे गांव वाले 4 बजे नियत स्थान पर पहुंच गए और वो महापुरुष भी आ गए। प्रवचन शुरू हुआ। समय के महत्व के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी गई। समय का उपयोग कैसे करते हैं ये भी बताया। ये सब सुनकर गांव वालों की आंखें खुल गईं और सबने आपस में फैसला किया कि आज के बाद जो सुना है उसी पे कायम रहेंगे। सबने मिलकर उन दोनों का शुक्रिया अदा किया। आज उस गांव में सब खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बच्चे सुबह टाइम पे स्कूल जाते हैं, सारे किसान अपनी खेती बाड़ी करते हैं। दोस्तों, समय को समझना बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठना और रात में समय पर सोना, अपने हर पल को सही से उपयोग करना, जिंदगी में जो करना चाहते हैं उस पे अपने आप को केंद्रित करके समय के साथ चलना, अगर ये सब हम करेंगे तो पक्का हम अपने जीवन में सफल हो जाएंगे।